दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में आज भी बहुत सी रहस्यमयी चीजें खोजी जानी बाकी हैं। इतना ही नहीं, इन छिपी हुई रहस्यमयी चीजों में से कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो अगर मिल जाए तो वो मानवता का इतिहास बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं धरती पे मिली कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीजों के बारे में। नंबर 8, रोमन हेड इन मेक्सिको। दोस्तों ये टेराकोटा हेड सबसे पहले मेक्सिको स्थित टोलुका घाटी में खोजा गया था, जिसका आधिकारिक नाम टेकाक्से कैलिक्सटला हुआ का हेड है। वेल, इसे पहली बार देखने पर आपको ये किसी साधारण प्राचीन मूर्ति की तरह ही लगेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सच में बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक ये दिखने में रोमन लोगों द्वारा बनाए गए स्मारकों की तरह ही है। पर हैरानी की बात तो यह है कि ये मेक्सिको में कैसे पहुंचा, और शायद यही वजह है कि जानकार इसे बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी मानते हैं। साल 1933 में मेक्सिको के एक पिरामिड के नीचे जब ये सर मिला, तब इसके साथ और भी बहुत सी अन्य चीजें मिली जो कि 15वीं सदी के आसपास की थीं, पर ये सर उनमें से सबसे अलग था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसे खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट होजे गार्सिया पेयोन ने पहले इसकी खोज को दुनिया से छिपा कर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी इस खोज को कोई भी सीरियसली नहीं लगा। पर 1960 में आखिरकार उन्होंने दुनिया को इसके बारे में बता दिया, जिसके बाद ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों और जानकारों के बीच एक चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद कुछ जानकारों ने इसे नकली माना, पर कई जानकारों का ये भी मानना था कि ये यूरोप के वाइकिंग्स द्वारा लाया गया था या फिर रोमन लोगों ने इतिहास में कभी अमेरिका का दौरा किया होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पहुंचा। हालांकि 2001 में हुई एक रिसर्च के आधार पर यह सर दूसरी सदी का बताया जाता है, पर आज भी मेक्सिको में इसका मिलना एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, रिवर विटहम स्वॉर्ड। आप सभी ने तलवारें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आप सभी को पता है सन 1825 में आर्कियोलॉजिस्ट को यूके के लिंकनशायर में मौजूद विटम नदी से एक ऐसी प्राचीन तलवार मिली जिसके ऊपर एक अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और शायद यही वजह थी कि यह तलवार खोजकर्ताओं के बीच बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गई। इस तलवार की जांच करने पे पता चला कि यह 13वीं सदी की है, पर इसकी खोज से लेकर आज तक कोई भी इसके ऊपर लिखे रहस्यमय शब्दों का सही मतलब नहीं बता पाया है। अगर आप सभी भी इस तलवार को असल में देखना चाहते हैं, तब आपको उसके लिए यूके के ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। वेल, शुरुआती जानकारी के अनुसार बहुत से जानकारों का ये मानना है कि इसे जर्मनी के किसी जगह पे बनाया गया है जो कि स्टील से बनी हुई है और जिसके ऊपर एक क्रॉस का साइन भी बना हुआ है। हालांकि आज भी इसके ऊपर लिखे हुए शब्दों को कोई डिकोड नहीं कर पाया है, और इसी कारण से जानकारों द्वारा आम नागरिकों की मदद ली गई है। खैर, कई लोगों का ये कहना है कि इस तरह की तलवारें यूरोप में 13वीं सदी के आसपास बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में ली जाती थीं, और इनके ऊपर इस तरह के लेखों का इस्तेमाल इन्हें जादुई शक्तियों से युक्त बनाने के लिए किया जाता था। नंबर 6, होमिया ड्वार्फ प्लैनेट। दोस्तों होमिया 2003 में खोजा गया एक छोटा ग्रह है जो कि नेपच्यून ग्रह के पास क्यूपर बेल्ट में मौजूद है। इस प्लैनेट का आकार प्लूटो की तरह ही है, और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला तारा है, और शायद अपनी इसी गति की वजह से इसका आकार भी बहुत ही ज्यादा अलग है, बिल्कुल किसी अमेरिकन फुटबॉल की तरह। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसका नाम होमिया कैसे पड़ा। वेल, इस प्लैनेट का नाम हवाईयन देवी के ऊपर रखा गया जो कि उर्वरता की देवी मानी जाती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नए क्षुद्र ग्रह में रहस्यमयी क्या है। वेल, इसमें रहस्यमयी है इसके आसपास मौजूद रिंग जो कि 2017 में खोजी गई थी, और इसी वजह से ये क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऐसा पहला ऑब्जेक्ट बन गया है जिसके आसपास रिंग मौजूद है। नंबर 5, कन्वेंट्री क्यूब्स। दोस्तों इसी साल इंग्लैंड में मौजूद सोव नदी के किनारे जब एक मछुआरा अपने बच्चों के साथ मछली पकड़ रहा था, तब उसके द्वारा नदी के अंदर एक ऐसी चीज खोजी गई जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया। वेल, ये खोज कुछ और नहीं बल्कि चांदी के बड़े बड़े क्यूब आकार के ब्रिक्स थे जिन पे किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस खोज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 60 क्यूब्स खोजे गए थे, और इन पूरे क्यूब्स के ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, जब इन्हें खोजे जाने की खबर इंटरनेट पर वायरल हुई, तब बहुत से लोगों ने इनका रहस्य सुलझाने का प्रयास किया और इनके ऊपर लिखे टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद कई लोगों ने इन्हें एक तरह का रिटन टोकन बताया। हालांकि कोई भी इनके ऊपर लिखे शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया, पर हाल ही में यह दावा किया गया है कि इनके ऊपर लिखी हुई भाषा संस्कृत से मेल खाती है, और ये कहीं ना कहीं किसी तरह की पूजा में इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 4, एंशियंट गदा। अब सभी प्राचीन भारत में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार यानी कि गदा से तो अच्छे से वाकिफ होंगे, जिसका विवरण हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। आज भारत में बहुत सी मूवीज या फिर टीवी शोज में गदा को प्रमुख रूप से किसी युद्ध के सीन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गदा का प्रयोग भारत के सबसे पूजनीय भगवानों में से एक हनुमान जी द्वारा किया जाता था, जो इसे हमेशा अपने साथ रखते थे, और इसी वजह से दुनिया भर में पहलवान
और रेसलर्स भगवान हनुमान की पूजा करते हैं। पर क्या आप सभी को मालूम है, गदा का प्रयोग सिर्फ हनुमान जी ही नहीं बल्कि त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु भी किया करते थे और हमेशा उनके हाथ में भी एक गदा रहता था। आज सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में गदा का इस्तेमाल ग्रिप को मजबूत करने के लिए किया जाता है और तो और जिम के अंदर भी कंधे की कसरत के लिए गदा प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। नंबर 3, वोल्गोग्राड डिस्क्स। साल 2015 में खोजकर्ताओं को रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में कुछ ऐसे मेटल डिस्क्स मिले जो कि आकार में बहुत ज्यादा बड़े थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन डिस्क्स को टंगस्टन मेटल द्वारा बनाया गया था जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। आज बहुत से जानकार कहते हैं कि ये डिस्क्स एक ऐसी जगह मिली हैं जहां अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे में इन्हें एलियन यान कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इनका आकार भी बिल्कुल एलियन यान की तरह ही है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा कभी भी ऐसा दावा नहीं किया गया कि ये एलियन रॉक्स हैं, जिस वजह से ये लोगों के बीच अक्सर कौतूहल का विषय बनी रहती हैं। कई लोगों का मानना है कि इन रॉक्स को एलियंस द्वारा धरती पर लाया गया था और ऐसे में ये और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती हैं। खैर, आज तक कोई भी इन डिस्क्स के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाया है। नंबर 2, टैबी स्टार। दोस्तों, टैबी स्टार मानव सभ्यता के सामने आया अब तक का सबसे रहस्यमयी तारा है जो कि हमारी पृथ्वी से करीब 1417 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, जब से हम इंसानों द्वारा इस तारे की खोज की गई है, ये तभी से बहुत ही अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है और यही वजह है कि इसने वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लाइट इस तारे से निकलती है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर अपने अंदर बदलाव करती है। कभी कभी तो इसकी रोशनी 22% तक कम हो जाती है, जिस वजह से कई वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि शायद ये कोई एलियन शिप है जो कि बार बार अपनी रोशनी में बदलाव कर लेता है। हालांकि कई वैज्ञानिक इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि शायद कोई डस्ट पार्टिकल्स और उल्कापिंड इस तारे का चक्कर लगाते हैं, जिस वजह से इसकी रोशनी में बदलाव देखने को मिलता रहता है। पर आज भी इस थ्योरी का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है, जिस वजह से ये लोगों के लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, किनसिंगटन रनस्टोन। किनसिंगटन रनस्टोन एक 92 किलो का पत्थर का टुकड़ा है जो कि डगलस काउंटी मिनेसोटा में मौजूद है। इस पत्थर को 1898 में ओलोफ ओहनान नामक एक स्वीडिश शरणार्थी द्वारा खोजा गया था। दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेवेक से बना यह पत्थर दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है। इस पत्थर पर लिखे टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा अजीब हैं और आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर किसके द्वारा इन्हें लिखा गया था। दोस्तों, इन टेक्स्ट को वाइकिंग्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में लिखा गया था, जो बताता है कि शायद वाइकिंग्स इस जगह आए थे और उन्होंने इस पत्थर पर कुछ लिखा था। हालांकि इस पर लिखे गए टेक्स्ट को आज भी डिकोड नहीं किया जा सका है। खैर, जो भी हो, पर वैज्ञानिक जानने में लगे हैं कि वाइकिंग्स का ये 1392 का आर्टिफैक्ट नॉर्थ अमेरिका कैसे पहुंचा, जो कि एक असामान्य बात है क्योंकि कई जानकारों के अनुसार वाइकिंग्स कभी नॉर्थ अमेरिका आए ही नहीं, जिस वजह से कई लोग इस खोज को फेक भी मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।